जी बिल्कुल, 10 दिसंबर से और जो हमारा 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है पोलियो प्रोग्राम, तो इसके लिए पूरे ज़िला में हमने 1563 टोटल बूथ बनाए गए हैं और हमारा 378,346 अगर एक्यूरेट वो कहें 5 साल तक के बच्चों का टारगेट है, जिसको पोलियो से जो 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएंगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस कैंपेन की जो जानकारी है लोगों के साथ किस तरीके से साझा करेगा, लोगों को कैसे या तो आना होगा या फिर घर घर जाकर ये सब दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए जब भी ये अभियान चलता है, आपने देखा होगा कि जब से शुरुआत हुई है जो हमारा, तो ये सब नेशनल राउंड है पोलियो प्रोग्राम का, हरियाणा के 6 जिलों में ये जो मनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा पिल्लर ये है कि मीडिया के माध्यम से और पब्लिक को, इवन जितने हमारे रेडियो जो कि जो चैनल हैं, लोकल न्यूज़पेपर हैं, आशा वर्कर के थ्रू, इवन माइकिंग के थ्रू, हर एक को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 साल से अगर छोटा बच्चा है वह कोई भी ना छूटे। 10 तारीख को हमारी बूथ एक्टिविटी रहेगी, जिसमें इवन घर घर जाकर भी उनको बुलाया जाता है कि आइए आप पोलियो बूथ पर और पोलियो की दवा पिलाइए। इसलिए हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं या पार्षद हैं या सरपंच है, पंच है, उनको इन्वॉल्व करके बूथ का इनॉग्रेशन भी किया जाता है, ताकि लार्ज लेवल पर पब्लिक तक मैसेज चले आपके नज़दीक में यह बूथ है और बच्चे को आप पोलियो की दवा पिलाएं। सर, एक सवाल और ये भी है कि जिन बच्चों को पोलियो पिलाया जाएगा वो गुरुग्राम से बाहर के कहीं के भी हो सकते हैं, साथ ही जिस बच्चे को पिला दी जाएगी निशानदेही के तौर पर, क्या उसको निशान भी बच्चों को लगाया जाता है? बिल्कुल जी, इसमें है ना, इसमें जब यह कैंपेन चलता है, बच्चा कहीं भी मिले, इसके लिए मोबाइल टीमें भी बनाई जाती हैं, ट्रांजिट टीमें भी बनाई जाती है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी 5 साल से छोटा बच्चा दिखेगा, चाहे वो किसी भी एक क्षेत्र का हो, सबको 2 बूंद पिलाई जाती है। और जो हमारे लेफ्ट हैंड है, आपके बाएं हाथ की जो लिटिल फिंगर है, उस पर निशान लगाया जाता है मार्कर के साथ में, ताकि कोई टीम या वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाए तो पता चले कि इसने पोलियो की दवाई ऑलरेडी पी रखी है। ठीक है।